ਬਹਿਆ ਤੂੰ ਇਰਮਾਨ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨੇ ਹਾਏ 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 अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफाक और आप देख रहे हैं एसटीएम में। इस वक्त मौजूद हूं गुजरांवाला में और गुजरांवाला में मौजूद हूं मैं रहीम पहलवान के अखाड़े पर। यहां पे रहीम पहलवान जो हमारे पाकिस्तान के एक नामर शख्सियत हैं, एक नामर पहलवान हैं, तो उनके जो बिहाफ पे इस जगह को देख रहे हैं वो हैं सलीम पहलवान साहब। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं इस अखाड़े के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई, मेरा नाम मोहम्मद अफाक है, मेरा यूट्यूब का चैनल है HTMA मोहम्मद अफाक के नाम से। हम गुजरांवाला हैं हैदराबाद से, तो हम गुजरांवाला हैं और पहलवानों की धरती पे आके पहलवानों से मुलाकात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा कि जी अब आए हैं तो आपसे मिल के जाएँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक कॉल पर हमारे पास यहाँ तशरीफ़ ले आए। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ये आप गुजरांवाला, ये पहलवानों का शहर है, आप जिधर आएँगे ये रहीम पहलवान सुल्तान रुस्तमे हिंद, इन्होंने तमाम कुश्तियाँ जो बरादर भोलू पहलवान जारा ख़ानदान के साथ इन्होंने कुश्तियाँ काफ़ी लड़ी हैं। महाराज महाराज इनको ले जाते थे, जाके कुश्तियाँ जाके लड़ाते थे। अच्छा, कौन से महाराज लेके जाते थे? ये महाराज जो पाकिस्तान जो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठा होना सी उस वक्त, ये पहलवान है रहीम पहलवान सुल्तान रुस्तमे हिंद होएंगे। इन्होंने बड़े भोलू खानदान ना जारे खानदान इनके सबके साथ कुश्तियाँ इन्होंने लड़ी हैंगी। इधर उसके बाद फिर गोगा पहलवान जो हमारे दूसरे बात गोगा पहलवान उसमें पाकिस्तान, वो भी अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, बाकी वो अपना काम पे गएंगे, तो वो भी इधर के उसको आप तुसी पंजाबी से गल कर लो क्योंकि जेड़ा कंफर्टेबल है तुहानू रहे और ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा जहा मैनू दसो कि यह जड़ा अखाड़ा है यह कितना पुराना है? ये सर 100 साल पुराना है। ये 100 साल पुराना अखाड़ा जो रहीम पहलवान सुल्तानी रस्म हिंद, इनके दो बेटे हैं फरोज पहलवान महराज पहलवान। तो आपने देखे कि ये 100 साल पुराना अखाड़ा है और माशाल्लाह से, यानी आप समझ लें कि पाकिस्तान बनने से पहले का है। जी जी, उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान जो इकट्ठा था उदों का ये सारा अखाड़ा 100 साल पुराना हो गया सर अखाड़ा। अच्छा, तो सर ये जैसा कि ये 100 साल पुराना अखाड़ा है तो ये कब्रिस्तान था या कब्रिस्तान बाद में बना? कब्रिस्तान बेसिकली पुराना है, यहाँ पर ये बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत पुराना, ये भी 100 साल तो ज़्यादा कब्रिस्तान, ये पीछे चले जाओ, काफ़ी पीछे चले जाओ। ये बस ये अपना ये माई माला की ये जगह है, ये माई माला के इसके अंदर दरबार है, ये उन्होंने जगह दी है, माई माला ने जगह रहीम पहलवान को दी क्योंकि इधर इतना रश होता था कुश्तियाँ दंगल, ये रास्ता होता था, ये आरामगाह बना था, ये आरामगाह बना था, उसने माई माला ये आप इनके दरबार इनका इस तादाद में, तो ये माई माला ये हमारे इसके साथ ही दरबार है, ये माई माला का दरबार है। उन्होंने पहलवान साहब रहीम पहलवान साहब को ये अखाड़े के लिए जगह दी थी। ये माई माला जो है कि इधर उन्होंने बनाई थी जगह आरामगाह, जो मुसाफिर यहाँ से गुजरते रात हो जाती तो वो इधर ही आराम करते थे, ठीक हो गया। फिर उस तो बाद ये रहीम पहलवान जो थे पौनी शौनी करते थे, रश ज़्यादा हो गया तो उन्होंने ये साथ वाली भी जगह उन्होंने दे दी, क्योंकि ये आप इधर भी अखाड़ा बनाइए, यहाँ पर दंगल भी होते थे यहाँ पे इस तरफ। थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको, आए ये इस तरफ भी दंगल होते थे इस तरफ। अच्छा, वो जो माई माला की बात कर रहे थे वो ये है, माई माला का मज़ार ये है, माई माला का मज़ार आप देख सकते हैं जिस तरह से, ये माई माला का मज़ार है। अच्छा, तो सर मुझे ये बताएं रहीम पहलवान साहब कि आपने बताया कि जैसे आप इस दरख्त के हवाले से भी कुछ बता रहे थे, आए वहीं चलते हैं, आ जाएं सर। तो इन्होंने ये माई माला के बाद अब ये अखाड़े की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और आप जैसे देख सकते हैं ये उनके हाथों का अखाड़ा बना है, ये उनके हाथों का इस दिखाइएगा प्लीज़, इनके हाथों का अखाड़ा है, हाथों का ये दरख्त लगा है। अच्छा, ये दरख्त उनके हाथों का, ये उनके हाथों का बोर्ड बना है जी, ठीक हो गया जी, उनके हाथों का बोर्ड, ये उनके हाथों का खड़ा, यहीं वो वर्जिश करते थे, यहीं से इधर से महाराज लेके जाते थे उधर अपने इलाके में जाके, इंडिया में बड़ी बड़ी दूर में बाहर के मुल्क में भी इनको जाके होते कुश्ती करा के, तो फिर इसको वापस पाकिस्तान फिर वापस आ जाते थे। अच्छा, आपने कहा था कि आप कब्र दिखाएंगे तो थोड़ा दिखाइएगा कब्र, आ जाए जी प्लीज। हाँ, तो सलीम पहलवान साहब सब रहीम पहलवान साहब की कब्र पे अभी आप मुझे लेके जा रहे हैं। हाँ, ये रहीम पहलवान की कब्र है, इन्होंने गूंगे पहलवान अखीरली कुश्ती इन्होंने गूंगे पहलवान के साथ हुई है, आखिरी कुश्ती गूंगे पहलवान के साथ हुई है। गूंगा पहलवान सैलकोट वाले, इनकी 82 साल उम्र में गूंगे पहलवान को इन्होंने चित किया था, 82 साल की उम्र में इन्होंने
82 साल की उम्र में रहीम पहलवान साहब सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद ने 82 साल की उम्र में, यानी अब हम 30-32 साल या 40 साल के बाद हम चल नहीं सकते सही तरह से, तो ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं। माशाल्लाह रहीम पहलवान साहब ने 82 साल की उम्र में गूंगा पहलवान को, सियालकोट के जो थे उनको चित किया। गूंगे पहलवान के बाप के उनको बताया थे, उनके बाप भी गूंगे पहलवान के बाप भी इनके साथ को लेते हैं, उनके वालिद इनको वालिद भी रहीम पहलवान ने उन्होंने बिठाया। उस तो बाद रहीम पहलवानों उन्होंने दसिया कि इनकी इनकी लत बड़ी मशहूर थी, टांग पे चढ़ के ऊपर से गिरा देते थे। अच्छा, इनका कोई एक वो था स्टाइल था इनके इनका ये घर का बता दें, हमारा ये घर का दांव है, इन्हें अपनी टांग पे चढ़ा के उसको गिरा दिया, इनके ऊपर पत्थर भी आ जाता है तो उसको गिरा देते हैं, इनका हाथ ये दौर रवा था। इनकी मगफरत फरमाए, जवाहर रहमत में जगह दे, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है जी। पाकिस्तान वैसे बनने से पहले ही इंतकाल हो गया था इनका, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में लोग इन्हें याद रखते हैं। इनके दो बेटे हैं, एक तो ये दिखाइएगा सर, ये महराज पहलवान भी इनके बेटे हैं। इनकी वफात 1978 में हुई थी, तकरीबन 78 ईयर्स की उम्र में इंतकाल हुआ था इनका। दो बेटे इनके, एक महराज पहलवान, एक फिरोज पहलवान। हाँ जी, फिरोज पहलवान साहब को देखते हैं। फिर अंदर सलीम साहब ने बताया कि वो तस्वीरें भी दिखाएंगे हमें। ये हैं जी फिरोज पहलवान साहब, तो अभी इनके खानदान में से कोई मौजूद है? हाँ जी, इनके हैं खानदान में, हैं भी इनके हैं। वो भी पहलवानी कर रहे हैं? वो भी करते हैं, बस उन्हों कारोबार करते हैं, अखाड़े में आते हैं। अच्छा, ज़्यादा पहलवानी में नहीं है? पहलवानी नहीं करते, बस उन कारोबार में पड़ते हैं, हम अखाड़े का ध्यान रखते हैं, वो आते हैं हमारे देश। इन सब के बाद अभी जो इस अखाड़े को चला रहे हैं वो आप हैं? जी जी, मैं इस वक्त अखाड़ा मैं चला रहा हूँ, मैं अपना पुलिस का भी काम कर रहा हूँ, ये अखाड़ा भी चला रहा हूँ, हम इधर जुडो भी कराते हैं। जुडो कराटे? जुडो नहीं, जुडो। जुडो क्या होता है सर? जुडो ये जापान की गेम है, ये जापानी कराटे हैं, ये वो पंच पुच के साथ खेलते हैं। जुडो जो जब हम कुश्ती करते हैं, इसको यूनिफॉर्म कराटे का नहीं होता है, बाकी वो वजनी होता है, वो वजनी जुडो की यूनिफॉर्म जरा अपना होता है, जापान की गेम है। यहाँ पे भी ये किसकी? अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और तस्वीरों के बारे में बताता सर। ये गुजरांवाला के ये पहचान रहीम पहलवान, ये थोड़ी सी ब्लर पिक्चर है, ये ब्लर पिक्चर है, पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है इनकी। हाँ तो जी सर, ये कुछ तस्वीर हैं जिनमें से ये कुछ पहलवान हैं। ये सबसे पहले जी ने बताया गोगा पहलवान आपके बड़े भाई हैं? हाँ जी, मेरे बड़े भाई गोगा पहलवान, ये अच्छा नाम रोशन किया जी। आजम पहलवान ये फौत हो गए जी, ये हाँ जी शाहद पहलवान, उसमें पाकिस्तान ये भी बड़े अच्छे पहलवान थे, शाहद पहलवान साहब जी। अच्छा, ये हमारे सर अपनी तस्वीर आपने नहीं दिखाई? ये हमारी तस्वीर है, क्योंकि हम अच्छा दिखाईगा, ये हैं सलीम पहलवान साहब, निगरान दंगल, यानी निगरान दंगल यहाँ के ये हैं। हाँ, ये जो हम दंगल जब कराते हैं तो इश्तहारों में तस्वीरें लगाते हैं, ये हमारे अफसरों की तस्वीरें हैं। ये मुनसफ कुश्ती है, ये अपना चांदी वाला मुनसफ कुश्ती, चांदी वाला गुड्डू पहलवान है, आमिर जमील साहब, ठीक है, ये हमारे अफसर हैं, पुलिस के अफसर जी, डॉक्टर, ये हमारे SCP, ये डॉक्टर मोइन सऊद साहब हैं, और ये अच्छा ये पुलिस में और डॉक्टर भी हैं? हाँ जी हाँ, डॉक्टर भी, ये बड़े बड़े लैक अफसर हैं, बहुत लैक अफसर हैं। आज भी इस वक्त इस्लामाबाद में हैंगे, यहाँ पे गुजरांवाला थे, गुजरांवाला इस्लामाबाद चले गए, अब्दुल कयूम साहब ये हमारे इधर IG ऑफिस में हैंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, चलें आगे चलते हैं। ये देखें जी रहीम पहलवान साहब जिनके अखाड़े पे से मौजूद हैं, ये इनकी तस्वीर है, थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा इसको प्लीज। माशाल्लाह से जी रहीम पहलवान साहब हैं, अल्लाह की मगफरत फरमाए, काफ़ी नाम उन्होंने रोशन किया गुजरांवाला का। ये दंगल हमने कराया था सर, ये पहला दंगल हमने ये रुस्त में गुजरांवाला, इसमें हमारे सारे अपना हैदर पहलवान है, शफीक उर चल्ला पहलवान, मोहसन पहलवान, आजम पहलवान, जमील पहलवान, ये सारे हमारे अफसरों ने नाल। मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, वो उन्होंने वो वाले लंगोट नहीं बांधे हुए, ये दूसरे वाले बांधे हैं। ये जंग ही है, ये लंगोट के ऊपर जंगे पहनते हैं। अच्छा, पहले लंगोट बांधा जाता है? लंगोट क्यों, क्योंकि ये बड़ा मजबूत है, जब आप पकड़ते हैं कि ये क्या नाम है पाटता नहीं है, ठीक हो गया, इसके ऊपर जंगे पहना है, लंगोट नीचे है उसके ऊपर जंगे पहना, वो इसलिए जंगे पहना है फरमा रहे हैं कि अगर आप जंगे पहनते हैं इसके ऊपर तो वो फटता नहीं है लंगोट। जी वो रियाज पहलवान चांदिया वाले भी बड़े बड़े पहलवान होंगे, शायद आटे वाले, मैंने बाहर भी आपकी तस्वीर दिखाई है, हम सारे अफसर ये सारे शौक रखते हैं, मैंने बड़ा कट्ठा जो है। ये गोगा पहलवान, अच्छा जी ये है गोगा पहलवान साहब की जवानी की पिक्चर है, जवानी की तस्वीर जी, चैंपियन पंजाब पाकिस्तान है जी हमारे गोगा पहलवान, तो ये है हमारे जनाब गोगा पहलवान, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तस्वीर है, बड़े अच्छे पहलवान हैं, इन्होंने बड़े काफ़ी खुशियाँ सियालकोट बावलपुर सारे जितने पहलवान पाकिस्तान में जीते,
पाकिस्तान में, बाहर के भी गए, बाहर भी इंटरनेशनल भी हैं, इंटरनेशनल खेल के हैं, दुबई खेल के हैं। जबरदस्त माशाल्लाह सर, बहुत जबरदस्त, बहुत आला जी, ग्रेट। एक बच्चे को अगर पहलवान बनना हो तो उसमें आप क्या क्या क्वालिटीज देखते हैं? हम जब इधर से फारग होते हैं, मेहनत लगा के फिर गया, इधर ही हमारे खाड़े में इधर शरदाई घोड़ते, इधर ही घोड़ते हैं ज़्यादा, इधर ही घोड़ते हैं, या कुछ लोग घर से बादाम घोड़ के ले ही जाते हैं शरदाई, वो हमारा इसी इधर सामान पड़ा बाहर दूसरी साइड से, उस समय शरदाई है इन्हों पियाने बच्चे ने भी ओली ओली आस्ता, अगर वो नहीं पीता फिर जूस पियाने हैं, अगर वो नहीं पीता फिर इन्हों, क्योंकि नहीं शरदाई किसी चंगा अच्छी लगती तो फिर ऐसा ऐसा उन्होंने शुरू कर देने, बादाम के बच्चे अं पाने काली मिर्च सौंफ इलाची, तो ये चीज़ें हम डालते हैं, हाजमेदार भी होती है तो ताकतवर भी होती है। अच्छा, मैं पहलवान बन सकता हूँ? आप बन सकते हैं, ये किसी की नहीं है पहलवानी, किसी जिसने करना है ये उसकी पहलवानी है। अगर आप मेहनत करें तो आप बन सकते हैं, कोई भी है, कोई भी है, ये कोई नहीं को देखता है, ये हमारे बाकी हमारा ये खानदान जरा कश्मीरी खानदान जरा है स्पोर्ट्स के हवाले ना, हमारे आप पूरे खाड़े भी पाकिस्तान में फिर लेंगे उधर कश्मीरियों को ज़्यादा, क्योंकि हमारा आप कश्मीर से? कश्मीरी कौम है, कश्मीरी कौम जी ये ज़्यादा इसको लाइक करती है कि ये स्पोर्ट्स जी है। मैं भी बहुत लाइक करता हूँ, मुझे बड़े अच्छी लगती है पहलवानी, मैं अक्सर मैंने वीडियोज़ कबड्डी की भी देखी हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे ये पूछूंगा सर कि एक पहलवान की जो खुराक होती है वो क्या होती है, यानी सुबह दोपहर और शाम में कितना खाते हैं और क्या क्या खाते हैं? ये प्रैक्टिस के बाद इन्होंने बादाम पीने होते हैं, पहले प्रैक्टिस से पहले प्रैक्टिस से पहले इन्होंने शरबत मुरब्बा मक्खन भी साथ साथ देते हैं, नाल वर्जिश करते हैं नाल मक्खन भी साथ साथ देते हैं उसको सुबह सुबह इसी नाल वर्जिश। कितने बजे स्टार्ट होती है ये प्रैक्टिस? सुबह मौसम के साथ आपके, क्योंकि आजकल सर्दी है, सर्दी में हम जब धूप आ जाती है तब हम फिर बाहर निकलते हैं, बाकी इसी असी कमरे के अंदर ही वार्म अप ऐसी अंदर ही डंड छंड लगाते हैं, जब अखाड़ा अपना धूप निकल आती फिर कहीं लेके बाहर चले जाते उसे हम जोर करते हैं, उधर ही बाहर जाके हम अपना क्या नाम है जोर भी करते हैं, खाड़ा ही पड़ते हैं सारा। सर सर्दियों में भी वही जो आप कह रहे लंगोट बांध के करते हैं? जी बिल्कुल, सर्दियों गर्मियों छुट्टी हमारी को नहीं है, इसमें छुट्टी को नहीं है, ये बारिश की वजह से थोड़ा सा बारिश हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह ही बारिश हो गई है, मौसम सुबह सुबह जरा गीला हो गया उसमें लड़के नहीं आते, रात से बारिश हो रही है। हाँ रात से बारिश हो रही थी, उसी वजह से लड़के नहीं आए, खाड़ा भी गीला है, तो भी लड़के आने के चलो अपने करो कार कार मुंडे अपने मेहनत करते पे वर्जिश करते पे। और जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी कुछ खाना पड़ता है, तो खुराक के हवाले से दोबारा प्लीज़ मुझे डिटेल में बताइएगा कि क्या क्या और कितना कितना किस किस वक्त खाते हैं? जी भजन असी जो असी जी शरदाई पीने उस तो बाद जब घरों घर ही चले जाने फिर गोश्त ने रोटी खाने हैं, अद्धा किलो गोश्त जरा आम 12 बजे ना रोटी अभी खाते। अच्छा, बड़ा गोश्त खाते हैं या छोटा? हम बड़ा भी खाते हैं छोटा सारे गोश्त खाते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक मेहनत की ऐसी मेहनत है लोया भी वो भी हजम कर जाते हैं हम माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद फ्रूट भी नार अपना गोश्त के साथ नार फ्रूट भी खाते हैं, नार दूध भी अपने दूध भी पीते हैं जी, दूध जरा हम शाम में जरा जी जो क्या नाम सौने 2-3 किलो दूध जरा पी के सौने हैं, फिर रात में जो वर्जिश था सुबह करके खुराक करनी वही वर्जिश शाम में भी अपना करनी है, शाम को प्रैक्टिस करनी है, बादाम पीने बादाम पी के रोटी खानी है, रोटी खा के दूध पी के हाँ सो जाना है। हाँ तो सर पहलवान बनने के लिए मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है एक बंदे के अंदर? जब हम इधर आते हैं अखाड़े में कोई भी अखाड़े में आंदा असी उन्हों अपना रुमाली बना के तेल से लगा के उसको डंडे लगवाते हैं, बैठक लगवाते हैं, उसको बैठक क्या होता है? बैठकर अपना बैठक हाँ उठना बैठक जी नीचे बैठना ऊपर उठना जी ठीक है, फिर पुशअप लगाते हैं उसको डंड कहते हैं, दूरे होते हैं हमारे ठीक है, डंड भी होते हैं तो नाल बैठक भी होती है ठीक है, पुशअप भी ना तो नाल दूरे भी होते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये खाड़ा ये कई है ये जरा ये देखते हैं जरा जी ये कई देखें आप ये मैं उठा के देखता हूँ ये कई काफ़ी ओए बाकी कितने किलो की है सर ये कुत्ती है पत्ते 20 किलो की है 20 किलो की है 20 किलो हाँ जी, फिर इसके ऊपर मिट्टी होती है तो फिर ज़्यादा मिट्टी भी वजनी होती है तो ज़्यादा 10-15 किलो मिट्टी भी ऊपर आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा वजन ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम ये हमारे ट्रेनिंग करने वास्ते ये बनाए ये डंबल है ये बना रहे हमारे रॉड है या ना प्लेटें सारी हमारे इसके साथ हम इतनी मेहनत है, आपको मैंने कई अखाड़े की कई भी दिखाई है आपको मिट्टी भी दिखाई है इसे कई कहते हैं, मैंने जैसे उठा के दिखाया था ना इसे कई कहते हैं कई ठीक है, ये हमारे डंबल है ये हमारे वेट है, हम जब इसको फेरते हैं हमारे वजह जिसम जेने पट्ठे जड़े मजबूत हो जाते हैं, ये हमारा सुहागा है। अच्छा ये क्या है? ये देखिएगा सही, ये इतना पुराना है 100 साल पुराना ये सुहागा है। अच्छा अच्छा ये देखिएगा ये इनका क्या कहते हैं सर इसको, ये सुहागा सुहागा होता है, जब हम खाड़ा हम जब खोदते हैं खोद के फिर इसको हम
सुहागे को उसके ऊपर फेंक फर्ज जिमें फर्श वैसे फर्श प्लेन कर प्लेन करते हैं अखाड़ मिट्टी को जब हम अपना खोदते हैं कहीं के साथ फिर बाद में इसको सुहागे को उसको 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 गर्दन के रोद के ऊपर डाल के ये हम ऐसे डालते हैं ऐसे ऐसे डाल के फिर हम इसको ऐसे खींचते हैं ठीक होगी ये गर्दन में डाल के ऐसे हम इधर काम है जी इतना आसान नहीं है ये बस बस कि जब आप बंदा 100 साल पुराना ये नहीं पुराना अखाड़ा एक उनकी की उनका दौरा भी बाहर पड़ा है अच्छा दौरा भी बाहर पड़ा है इधर आपको देखेंगे अच्छा 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 ये कुंडा ये वो कुंडा भी कहते हैं इसको ये गोल सा जो टब टाइप आप देख रहे हैं लेकिन ये मिट्टी का 100 साल पुराना है ये भी 100 साल पुराना है हाँ ये 100 साल पुराना इसके अंदर श्रद्धाई रगड़ते हैं इसके अंदर श्रद्धाई रगड़ते हैं लोग तो सर बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इज्जत बख्शी और तशरीफ़ लाया आप एक कॉल पर कुछ पैगाम देना चाहेंगे हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट को ये तवज्जो देनी है कि अखाड़े जड़ेंगे हमारे बंद हो रहेंगे काफ़ी अखाड़े बंद हो गए पाकिस्तान में इन्हें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि ये अखाड़ा एक ऐसी चीज़ है यहाँ की मिट्टी जड़ी बहुत अच्छी चीज़ है तेल शेल जब हम बलते हैं जब अखाड़े में जाते हैं इसमें ना जिसमें गर्मी रहती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अखाड़े तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए या जी बॉडी बिल्डर लोग जो हमारे नुकसान ज़्यादा लेके जो मेरे भाई कर रहे हैं टीके शीके लगाते हैं वो फ़ायदा कौन है उसका फ़ायदा कौन है मेडिसिन लोग खाते हैं वो बॉडी बिल्डर बिल्कुल ये जो ज़ाहरी खूबसूरती है हाँ जी जो जानवान है हम जो अपना उसमें वो खुराक भी उनकी होर होती है वो बॉडी बिल्डर वो नहीं होना चाहिए था तवज्जो देनी गवर्नमेंट बंदे लोग बड़े मरदे पाएंगे वो टीके लगाते हैं अपने आप को वो क्योंकि बाहर यूरोप में है अगर यूरोप में है तो उनके डॉक्टर भी कहते हैं चेक करते इधर कोई चेक नहीं करता बस कोई हाँ जी आज जो टीके लगा के वक्की तौर पर पप जिसम हो जाता खूबसूरती है और फ़ायदा कोई नहीं था ए खूबसूरती बड़ी बेहतर बिल्कुल सही कहा इन्होंने अच्छा हमारी नई नस्ल जो पहलवानी फील्ड में आना चाहती है हमारी नई नस्ल जो पहलवानों की फील्ड में आना चाहती है उसके लिए क्या पैगाम है आपका पैगाम ये है कि हमारे इतने आए बच्चे आए हमारे अखाड़े में आए अखाड़े में आके अपनी वर्जिश करें अपना अपनी तंदुरुस्ती बनाए उन्होंने माँ प्यो भी थे आन आके देखने ये बड़ी अच्छी चीज़ है गेम अखाड़े बहुत शुक्रिया सर आपका हमने काफ़ी नॉलेज ली सलीम पहलवान साहब से उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया अपना टाइम दिया कीमती वक्त में से अपना हमें काफ़ी टाइम दिया और मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे पास तशरीफ़ लाए उन्होंने हमें तस्वीर दिखाई पुराने वक्तों का यह अखाड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिला यहाँ आने का और मैं बस यही कहूँगा कि बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका हमें टाइम देने के लिए और इसी के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और मुझे कमेंट में ये लिख के ज़रूर बताएं कि गुजरांवाला शहर के पहलवानों से क्या कभी आपकी पहले मुलाकात हुई है या नहीं थैंक यू फॉर वॉचिंग HTML